जीव का जो औपाधिक व्यक्तित्व है वह कर्मों का पुतला है। जीव का औपाधिक व्यक्तित्व, संबंधित व्यक्तित्व, निर्मित व्यक्तित्व जो जड़ पदार्थों से निर्मित है, वह व्यक्तित्व कर्मों का पुतला है। ये शरीर, मन, स्थूल और सूक्ष्म दो शरीर। वेदांती लोग कारण शरीर भी मानते हैं। कारण शरीर का मतलब अज्ञान, तो सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं, स्थूल और सूक्ष्म ये दो शरीर, इसका व्यक्तित्व कर्मों का पुतला है, कर्मों से निर्मित है और कर्मों में ही सब जीव हरदम वर्तमान करते हैं। शरीर और मन से अलग उसका अपना आभास ही नहीं होता है। जीव को लगता है मैं शरीर हूँ या मन हूँ, या शरीर और मन दोनों मिला करके हूँ। शरीर मन से अलग हूँ ये उसे बोध नहीं, समझ भी हो जाती है तो पूर्ण अभ्यास न होने से वो स्थित नहीं आती। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। निर्माण सारा कर्मों से होता है, केवल भौतिक पदार्थों का निर्माण क्रियाओं से होता है। पत्थर का निर्माण, वनस्पति का निर्माण, कंकड़ का निर्माण, बर्फ का निर्माण, बादल का निर्माण, जड़ पदार्थों का जितना निर्माण होता है वो क्रियाओं से होता है। द्रव्य में गति है, क्रिया है और उससे अपने आप जड़ पदार्थ निर्मित होते रहते हैं। लेकिन देहधारियों का जो निर्माण होता है वो कर्म से होता है, उसमें केवल क्रिया नहीं है। क्रिया तो है लेकिन कर्म मूल है। कर्म है इच्छा पूर्वक पाप और पुण्य जो किया गया है, ये कर्म उसमें मूल है। इसलिए इसमें परिणाम है सुख और दुख, भोग। जड़ पदार्थों में परिवर्तन मात्र परिणाम है, सुख दुख भोग नहीं। जड़ पदार्थों का निर्माण भी जो होता है उसका परिणाम है। परिणाम है मिट जाना, बदलते रहना और बदलते बदलते मिट जाना। लेकिन चेतन प्राणियों के संबंध में जो शरीर का निर्माण है परिवर्तित तो होता है और मिटता है, लेकिन उसका परिणाम जो खास है वो सुख और दुख है। बर्फ बनी और पिघल गई, बर्फ बनने में पदार्थों में क्रिया कारण रहा और परिणाम समाप्त हो जाना। किंतु मनुष्य की या प्राणियों के देह में देह का जो निर्माण हुआ, क्रिया तो कारण रही लेकिन साथ साथ कर्म भी कारण रहे और उसका परिणाम विनष्ट जाना तो है लेकिन सुख दुख भोग भी, ये दोनों का फर्क है। बादल बने हैं तो बादल को कोई चिंता नहीं है, वो बिगड़ गए क्योंकि वहाँ चेतना ही नहीं है। किंतु मनुष्य का शरीर बना तो उसके बिगड़ने में चिंता है क्योंकि वहाँ चेतन है। यही उपद्रव है। दुख और सुख का भोग अपने पापपूर्ण कर्मों के परिणाम में चलते रहते हैं। इसलिए मनुष्य का पहला काम है कर्मों का सुधार।
कर्मों का जितना सुधार करता जाएगा उसके जीवन में कल्याण की भूमिका बनती जाएगी। मन का सुधार, मन से वाणी का सुधार हो जाता है और फिर इंद्रियों के बर्ताव का सुधार भी हो जाता है। मन का सुधार न हो तो वाणी का सुधार नहीं होता है। कट वचन मन के कट होने से निकलता है। किसी का मन कट न हो तो वाणी कट नहीं होती। चाहे वो प्रमाद हो चाहे सुनिश्चित हो, एक सुनिश्चित धारणा होती है जिसमें दूसरे के लिए मन में खराबी होती है और उसको मिटाने की चेष्टा होती है, उसको तकलीफ देने की चेष्टा होती है, और दूसरा ऐसा कुछ नहीं होता है, केवल प्रमाद होता है, असावधानी। लेकिन असावधानी में भी मन की हलचल तो होती है, विकृत तो होती है, मूल मन है। इसीलिए सदगुरु ने कहा है, मूल गहे ते काम है तय मति भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहरी बहे कतह मत जाओ। मूल पकड़ने से काम बनेगा, भरम भटको मत। मन समुद्र है, इच्छाएं तरंगे हैं, इसमें बहके कहीं मत जाओ। केवल मन को संभाल लेने के बाद कोई तकलीफ नहीं है। जब मन पूरा संभल जाता है वही मोक्ष है। व्यवहार का काम जितना है मन से कर लिया, बाकी मन को पंगु बना दिया, शून्य कर दिया। निरंतर विवेक जिसका जागृत है मन को शून्य कर देता है, मन को मिटा देता है। मन उपद्रव है, इससे काम कर लो और मिटा दो। मन को समाप्त कर दो, बस शीतल हो जाओ। आप बिस्तर पर गए, नींद नहीं आ रही, मन को समाप्त कर दो, नींद आ जाएगी। मन ही गड़बड़ कर रहा है, लेकिन मन को समाप्त करने की शक्ति चाहिए। वो शक्ति है अनासक्ति। अनासक्ति ही शक्ति है, अनासक्ति ही परम बल है। जानी तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विवेक अधिकाई। जानी तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। ये गोस्वामी जी ने कहा, हे गोसाई, मन को निरोग तब समझो जब हृदय आसक्ति से निवृत्त हो गया, जब उर बल विराग अधिक आई, जब हृदय में वैराग का बल बढ़ गया, तब मन निरोग होता है, तब मन निरोग होता है। सब तरफ अनासक्ति, कुछ जो हम मानते हैं वो कुछ है ही नहीं। हम बहुत मानते हैं घर द्वार जमीन मकान परिवार धन दौलत मान बढ़ाई, अब आजकल में कुछ नहीं रहेगा। हमारे बाबा मानते थे वो चले गए, दादा मानते थे वो चले गए, हमारे बहुत से मित्र मानते थे वो चले गए। थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के जो कलह लोग कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं रह जाती है और कलह का परिणाम चलाता रहता है। इसी वर्ष की मुझे बात है, परिचय हुआ मुझे, एक प्रदेश में था, एक 60 वर्ष का बूढ़ा आया मुझसे मिला, उसका मित्र भी साथ में था। कहा, महाराज मेरा बड़ा भाई
गरीब आदमी थे, छोटे छोटे आदमी, एक एक कमरे का, मिट्टी की दीवार का मकान और फूस की झोपड़ी, थोड़ा थोड़ा खेत। तो कहा कि मेरा बड़ा भाई मेरी फसल काट करके पूरा पूरा उठा ले गए, थोड़ी थी, चार छः बोझ कुल रहा होगा। तो मुझे बड़ी जलन हुई और रात में उसके घर को मैंने फूंक दिया। कुछ दिन के बाद फूका, तुरंत नहीं, और इस मंशा से फूका कि घर जले, उसकी चीज़ें जले और वो भी जल जाए। लेकिन वो बच गया, घर जल गया, उसकी चीज़ें जल गई, गाँव वाले बुझाए, मेरे ऊपर कोई संदेह नहीं किया। ऊपर से वायर गया था तो लोगों ने माना कि ये बिजली से जल गया, बिजली के वायर से। कुछ दिन के बाद भाई बीमार हुआ तो मैंने उसकी सेवा की। भाई के कोई लड़के नहीं, लड़कियां थी, वो अपने अपने ससुराल थी। वो मर गया, उसका क्रियाक्रम कर दिया गया, जो थोड़ा मोड़ा उसके था लड़कियों ने बेच करके समाप्त कर दिया और कुछ नहीं रह गया। लेकिन महाराज मेरा मन जलता है। और भी उसने बताया कि जब वो बच गया जलने से, तब मैंने उसकी हत्या करने की सोची और कुल्हाड़ी को रोज माँजता था पत्थर पर कि मारूं तो एक ही बार में वो ख़त्म हो जाए। कई दिन माँजता रहा और उसी बीच में आपका कार्यक्रम था तो मैं सुनने गया, तो मेरे विचार में बदलाव आने लगा। तो तीन चार कार्यक्रमों में आपके रहा और मेरा मन बिल्कुल बदल गया। कुल्हाड़ी को तो रख दिया और मारा नहीं, लेकिन मेरा मन जलता रहा फिर कि मैंने भाई का घर फूका और मुझे चैन नहीं रहा। फिर मैं चारों धाम गया, गंगा जमुना नहाया और रोज 10 माला राम नाम का फेरता हूँ। लेकिन मेरे मन में अभी भी शांति नहीं, वैसे जलन है, बारंबार खड़ा हो जाता है घर कि घर जल रहा है, भाई का घर मैंने जलाया। महाराज मैं बहुत बेचैन हूँ। उसने बताया 25 वर्ष हो गए घटना घटे, आवाज भी मुझे चैन नहीं। ये सच्ची घटना उसने कही। कैसा प्रमाद है, आदमी कैसा बह जाता है और परिणाम कैसा दुखद होता है। उसके भाई ने फसल काट ली थी, जीवन तो गुजर उसका हो ही गया, ना ऐसा काम करता, फसल तो लौटी नहीं, लेकिन जी की जलन को उसने बना लिया, उसका जी जलता रहा और वो पीड़ित रहा। एक घटना और, वो घटी नहीं, ये भी सच घटना, ये और पुरानी है, ज़्यादा पुरानी है। एक सुंदर नवयुवक 28 वर्ष का जा रहा था, मेरा कार्यक्रम था, वो सुना कहीं बस में बैठा कि उनका कार्यक्रम है, उतर करके आ गया, सुना और फिर चला गया। तो उसने जो कुछ किया, कई वर्षों के बाद जब मिला तो मुझसे कहा कि महाराज मेरे दरवाजे पर भाई का और मेरा दोनों समृद्ध घर था और दरवाजे पर दोनों की जमीन, दरवाज़ा, लेकिन मुझे, हम लोगों को यह था कि इसने हमारे दरवाजे पर जरा दबा करके अपना कब्जा कर लिया है,
एक फिट दबा लिया और खूंटा गाड़ लिया हमारे में। इसको लेकर के बहुत तनाव हो गया हमारे और उसमें। उसने कहा नहीं मैं अपने में हूँ, और हम लोग समझते थे कि हमारे में दबा लिया है। इसको लेकर के इतना कलह बढ़ा कि हम लोगों ने उसके पूरे परिवार को समाप्त करने के लिए सोच लिए। आदमी कितना दूर चला जाता है। तो उसके भाई बंबई में रहते थे, पैसे वाले थे, उन्होंने बदमाशों को तय कर लिया था, मोटी रकम देने तय हो। कैसा प्रमाद है, आदमी कैसा बह जाता है और परिणाम कैसा दुखद होता है। उसके भाई ने फसल काट ली थी, जीवन तो गुजर उसका हो ही गया, ना ऐसा काम करता, फसल तो लौटी नहीं, लेकिन जी की जलन को उसने बना लिया, उसका जी जलता रहा और वो पीड़ित रहा। एक घटना और, वो घटी नहीं, ये भी सच घटना, ये और पुरानी है, ज़्यादा पुरानी है। एक सुंदर नवयुवक 28 वर्ष का जा रहा था, मेरा कार्यक्रम था, वो सुना कहीं बस में बैठा कि उनका कार्यक्रम है, उतर करके आ गया, सुना और फिर चला गया। तब उसने जो कुछ किया, कई वर्षों के बाद जब मिला तो मुझसे कहा कि महाराज मेरे दरवाजे पर भाई का और मेरा दोनों समृद्ध घर था, और दरवाजे पर दोनों की जमीन, दरवाजा, लेकिन मुझे हम लोगों को यह था कि इसने हमारे दरवाजे पर जरा दबा करके अपना कब्जा कर लिया है, एक फिट दबा लिया है और खूंटा गाड़ लिया है हमारे में। इसको लेकर के बहुत तनाव हो गया हमारे और उसमें। उसने कहा नहीं मैं अपने में हूँ, और हम लोग समझते थे कि हमारे में दबा लिया है। इसको लेकर के इतना कलह बढ़ा कि हम लोगों ने उसके पूरे परिवार को समाप्त करने के लिए सोच लिए। आदमी कितना दूर चला जाता है। तो उसके भाई बंबई में रहते थे, पैसे वाले थे, उन्होंने बदमाशों को तय कर लिया था, मोटी रकम देने तय हो गया था, रकम देना था और बदमाशों का आना था, और रात में पूरे परिवार को काट के चला जाना था, और वही सब तैयारी चल रही थी। उसी बीच में उसने मेरे प्रवचन को सुना था, प्रवचन से सुन करके उठा और तुरंत गया, फोन किया बंबई अपने भाइयों को कि भैया बदमाशों को पैसा न दिया जाए और ये काम न किया जाए। तो लोग क्रुद्ध हो गए, कैसे तुम कायर बनते हो? कहे मैं कायर नहीं बनता हूँ, वास्तविकता है, मेरा उदाहरण दिया, उनका विचार सुना, मुझे शांति मिली। जमीन एक फीट हमारे तरफ सचमुच में ही वो दबाया हो, भाई ही है या कोई भी इंसान है, एक फीट दबा ले, क्या हर्ज होता है। लेकिन ये काम करने पर तो फिर बड़ी दुर्गति होगी, जोर देकर, उम्र में तो कम था, 28 वर्ष का था, और लोग बड़े बड़े थे, लेकिन बहुत समझदार था, और उस पर लोग घर वाले सब विश्वास करते थे, लेकिन उन्हीं सब के चक्कर में वो भी फंस गया था। मेरे विचार सुना तो उसका विचार बदल गया और वो बात रुक गई। कई वर्षों के बाद जब मुझे मिला तो कहा महाराज आपका प्रवचन सुना और एक बहुत बड़ी घटना टल गई, नहीं तो आप 4 ही 6 दिन में या सप्ताह 2 सप्ताह में ये सुनते कि भयंकर कांड हो गया, पूरे घर
के परिवार को समाप्त करने की बात सोची गई थी। आदमी कैसा बह जाता है। एक घर के लोगों को सबको समाप्त कर दिया गया था, काट दिया गया था, फूंक दिया गया था, और उसके पहले भी मैं वहाँ जाता था, कार्यक्रम होता था, तो जिन्होंने कटवा दिया था सबको, उनके घर पर मेरा निवास रहता था। जब दोबारा गया तो फिर मेरा निवास हुआ, तो इतना तो मुझे नहीं उस समय पता था कि इन्होंने ही करवाया, लेकिन घटना तो मेरे सामने थी। वो पूरा घर सुना था, सब के सब मार गए थे, मार डाले गए थे, मुकदमा चल रहा था, बहुत से लोग फंसे थे, जेल में थे, जेल से निकल के आए, मुकदमा चल रहा था, और पीछे काफ़ी पता चला कि वही करवाए हैं। अब वे अभी जीवित हैं और पढ़े लिखे हैं, अब अत्यंत पीड़ित हैं, अत्यंत पीड़ित हैं। जब कोई कर्म की बात कहता है तो कांप जाते हैं, क्या उन्होंने पाया। वो घर वाले मर गए और घर वो गिर करके भिट हो गया, और उनकी पूरी जमीन, जमीन काफ़ी थी, बड़े आदमी थे, पूरी जमीन ग्राम पंचायत की हो गई, और उसको गरीबों में बांट दिया गया। जिसने हत्या करवाई उसको कुछ मिला नहीं, मिला केवल संताप, मुकदमा, खर्च, जेल यात्रा। एक घर को मैं जानता हूँ, दोनों ठाकुर और दोनों संपन्न, अत्यंत पीड़ित हैं। जब कोई कर्म की बात कहता है तो कांप जाते हैं, क्या उन्होंने पाया। वो घर वाले मर गए और घर वो गिर करके भिट हो गया, और उनकी पूरी जमीन, जमीन काफ़ी थी, बड़े आदमी थे, पूरी जमीन ग्राम पंचायत की हो गई, और उसको गरीबों में बांट दिया गया। जिसने हत्या करवाई उसको कुछ मिला नहीं, मिला केवल संताप, मुकदमा, खर्च, जेल यात्रा, और एक व्यक्ति पर कोई खास न था तो इसलिए सब छूट छाट गए। अब आजकल तो गवाही की भी बात है, गवाही न मिले। लिंकन ने भी एक मुकदमा, जो कि बहुत अनाथ गरीब विधवा स्त्री जिसका पति मर गया था और पुत्र की हत्या हो गई थी, ऐसी विधवा का मुकदमा था, और गवाह साफ नहीं मिल रहा था, तो वो सब खारिज हो जाने वाला था। लिंकन एकदम उत्तेजित हो गए जज के सामने, और उन्होंने एक लेक्चर ही दे डाला और रो दिए। लिंकन रोने लगे, और रोते रोते उन्होंने एक लेक्चर दे डाला, जज दंग रह गया, और जज ने आश्वासन दिया इस मुकदमा को हम फिर से जांच करके फिर काम करें। उसी दिन निर्णय था, और निर्णय के खारिज हो जाता, गवाह मिल नहीं रहा था। फिर नए सिरे से जज ने जांचा और फिर उचित न्याय दिया, उस महिला को न्याय दिया, और उससे लिंकन ने कोई फीस नहीं ली। लिंकन तो बहुत महात्मा आदमी था, अद्भुत था। कई बार ऐसा होता है जज हमसे कहते हैं कि महाराज हम लोग मजबूर हैं, हम बिल्कुल जान गए हैं कि हत्यारा है, लेकिन उसको हम सजा नहीं दे सकते क्योंकि गवाही नहीं मिल रही है, और हत्यारे ने डांट दिया है, कोई गवाही देगा तो उसकी खैरियत नहीं, और विपक्ष का आदमी भी ढीला हो जाता है कि दुश्मन को सजा हो जाएगी तो हमारी जान नहीं रहेगी, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें। अजब तमाशा है,
गरीबों का शोषण हर जगह ज़्यादा होता है, जो असमर्थ हैं उनका शोषण हर जगह ज़्यादा होता है। यहाँ बात कर्म सिद्धांत की है। अब वो ठाकुर जी इतने संतापित रहते हैं, जैसे कोई कहने लग जाए कि भाई कर्म का फल भोगना पड़ता है, वो रोकते हैं, कुछ न कहो, हमें सब याद हो जाता है। उनका चित्त जलता रहता है। क्या उन्होंने पाया? थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के लोग कलह करते हैं, लड़ाई करते हैं, मुकदमा करते हैं, मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं, और परिणाम भयंकर होता है। बड़ी बात को लेकर के भी हत्या नहीं करना चाहिए। बड़ी छोटी क्या है, कुछ रहेगा किसी का? अपने दिल को ऊपर रखना चाहिए। मनुष्य कर्म का पुतला है, ये पूरा व्यक्तित्व जो खड़ा है हमारे कर्मों का परिणाम है। अब कर्म न हो, कल्याण चाहो तो कर्म न हो, जो कर्म फल सामने उसको भोग लो और नया कर्म न करो। उसका तरीका क्या है? सुख आए, दुख आए, हानि आए, लाभ आए, सम्मान आए, अपमान आए, सत्कार आए, तिरस्कार आए, शरीर में रोग व्याधि आए, सब विनम्र हो के सहलो, प्रतिक्रिया रहित हो के सहलो, और राग द्वेष का काम न करो, मन में विकार न लाओ, किसी को कट न कहो, किसी का अहित न करो, जिसने आपका अहित किया है उसका भी अहित न करो। ये कर्म से ऊपर उठने का तरीका है। आप कहेंगे कि हमें उसने सताया इसलिए हमने बदला लिया। ठीक है, तो बदला लिए, अब और आगे बढ़ो। बदला लिए तो कर्म बना, फिर भोगो, कहाँ जाओगे? अगर कल्याण चाहते हो तो बदला लेना बंद करो। केवल सहो, सहाओ ना, कट सहो, कट न कहो, क्षति सहो, क्षति न करो। जितना उपद्रव है, सुख और दुख है, सब निर्विकार भाव से सहो। और कोई नई क्रिया न करो, राग और द्वेष की कोई नई क्रिया न करो। किसी ने हमें मारा और हमने भी मारा, तो हमें जो चोट लगी हमारा कर्मफल भोग है, हमने जो चोट दी वो नया कर्म तैयार किया। हमने मारा नहीं, गाली दी तो भी कर्म बना, गाली नहीं दी शांत रह गए, मन में जलते रहे तो भी कर्म बन गया, मन को भी शांत कर लिया। 2 वर्ष के बाद उसका नुकसान हुआ तो मैंने कहा देखो हमें ये किया था, ऐसा फल पाया ना, तो मेरे में कसर है, यहाँ भी कर्म हो गया। मेरा दुश्मन 2 वर्ष के बाद दुखी हुआ तो हमें हमदर्दी होनी चाहिए, वो बेचारा दुखी हुआ। जब इस प्रकार सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम स तितिक्षा निगद्धते, ये स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार बदला लेने की बात, लेकिन अप्रतिकार बदला लेने की भावना न रख करके सारे दुखों को सहाय, किसी से बदला लेने की चेष्टा ना हो और सारे दुखों को सहाय अप्रतिकार पूर्वकम, चिंता विलाप रहितम, न चिंता करे न रोए, स तितिक्षा निगद्धते, इसको तितिक्षा कहते हैं। किसी व्यक्ति ने तकलीफ दी है तो प्रतिकार की भावना, बदला लेने की भावना ना हो,
किसी व्यक्ति ने तकलीफ नहीं दी है, घाटा हो गया है, शरीर में रोग लग गया है, तो चिंता विलाप रहितम, इसमें प्रतिकार तो कुछ नहीं होता है, लेकिन चिंता होती है, रोना होता है, पीड़ित होना होता है। स्वामी जी कहते हैं ये भी ना हो, न रो न विलाप करो न चिंता करो, शांत होकर के सहो। तकलीफ से आंसू आ जाए तो अलग बात है, आंसू आना अलग बात है, लेकिन रोना अपने तरफ से अलग बात है। ज़्यादा तकलीफ हुई, आंसू आ गए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन भावुक होकर के रोना वो ठीक नहीं। दुख को सहो, दुख न दो और दुख को सहो, कर्म से ऊपर उठने का यही तरीका है। दुख मिलेगा ये पक्का है, सबको मिला है, कोई बचा नहीं है देहधारी। तंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहते हैं सबका किया विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी, सुखाचार्य दुख ही के कारण गर्भई माया त्यागी, योगी जंगम तेत दुखिया तापस के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महल नहीं सूना, साँच कहो तो सब जग खींचे झूठ कहा ना जाई, कहें कबीर सोई भो दुखिया जिन यह राह चलाई। सारा संसार दुखी है, देह धरे और दुख न आवे असंभव है। वो खरीम घान पड़ा पहरव कौन गिनती, ये अवधि भाषा में कहावत है, वो खरीम घान पड़ा पहरव कौन गिनती। ओखली में घान डाला गया तो मूसल की क्या गिनती है, ओखली में धान डाल दिया गया कूटने के लिए तो गिन करके मूसल गिराया जाएगा, वो तो जब तक भूसी चावल से अलग न हो कूटने वाला गिराता रहेगा। तो शरीर धरा तो दुख की क्या गिनती है, अगर दुख आएंगे और सबको सहने को तैयार रहो। दुनिया में एक नाम नहीं ले सकते हो जो दुख न पाया हो, बड़ा बड़ा सम्राट महात्मा सबको उपद्रव आया है, प्रारब्धवशात शरीर का दुख आ जाता है, और दुनिया के लोग कितना समझते हैं, दुनिया के लोग भी दुख देते हैं, इसलिए यहाँ अहंकार करने कोई गुंजाइश नहीं है। विनम्र रहो, तो कर्मों से ऊपर उठो। कर्म का पुतला है यह प्राणी, कर्मों से शरीर बना है, कर्मों से मन बना है, और ये सब दुख का साज हो गया है। अब अगर दुख से छुट्टी चाहते हो तो कर्मों से ऊपर उठो, जो अपने देह पर भोग आए निर्विकार भाव से सालो, और नया कर्म न करो। नया कर्म है मन की राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति, रागात्मक प्रवृत्ति कह देने से काम बन जाता है, द्वेष अलग नहीं है, राग से ही द्वेष पैदा होता है, जिसके चित्त में राग नहीं होता है द्वेष नहीं होता है, राग मिट गया द्वेष कहाँ से आएगा, राग मिटाओ। इच्छा कर्मन मूल है तेह को खोदी बहाओ, जे में बांधा जीव ये ताह त्याग बच जाओ, ये विशाल देव की साखी है। इच्छा कर्मन मूल है, कर्मों की जड़ इच्छा है, विषयों की इच्छा, सांसारिक इच्छाएं, इन्हीं से कर्म होते हैं, इसको खोद करके फेंक दो, इच्छा को खोद करके फेंक दो, इसी में जीव बधा है, इसी को मिटा दो। काम सरल है, किसी से बोलना चालना नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करना है,
किसी से होड़ नहीं करना, बस अपने मन को शोध करके ठीक कर लेना, बड़ा सरल काम है, बहुत सरल, झगड़ा झांसा रहित। बाहर चीज के लिए तो झगड़ा है, विवाद है, जनमत चाहिए। अगर आप मालिक बनना चाहते हैं तो जहाँ के मालिक बनना चाहते हैं सबका जनमत चाहिए, परिवार वाले पसंद करें, समाज वाले पसंद करें, तब आप मालिक बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। और बड़ा मालिक बनना चाहें तो और वहाँ वोटिंग चलती है, देखो आजकल वोटिंग है, कौन प्रधानमंत्री होगा, अभी गर्भ में है, एक दो सप्ताह में पता चल जाएगा। जब तक नहीं पता चलता है मन खुड़बुड़ाता है लोगों का, कौन होगा कौन होगा। जब हो गया तो भूल जाते हैं लोग, जो हो जाता है उसी निंदा शुरू हो जाती, क्योंकि सब काम तो कर नहीं मिलता है उसको भी, तो लोग कहते हैं बैठा तो कर नहीं पा रहा है। ये संसार ऐसे चलता रहता है। तो और ज़्यादा बड़ा मालिक बनना है तो और जनमत की ज़रूरत है, लेकिन अपना मालिक बनना है चुपचाप हो जाना है, शांत, बस इसके महर्मी से संपर्क रखना है। जो इस साधना के महर्मी हैं उनसे संपर्क रखो, उनसे राय लो, उनसे समझते रहो, कहीं भटक तो नहीं रहे हो। और कुछ नहीं करना है, अच्छा साहित्य, अच्छी संगत बनाए रखो और तत्पर रहो। अपना कल्याण करना अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल, ऐसा सरल कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया के सारे भोग मिलने पर भोगे जा सकते हैं और मिलना सहज नहीं है, मिल करके अनमिल है। जवानी मिली लेकिन अनमिल हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। एक टेढ़ी कमर वाला बूढ़ा जा रहा था कमर झुकाए, एक जवान ने कहा बाबा क्या खोजते हो, कहा बेटा जवानी खोजता हूँ। दूसरे ने कहा बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो, कमर झुकी थी, कहा बेटा बिना पैसे के मिलता है, तुम्हें भी मिल सकता है, इसको कौन रोक सकता है। भोग मिलने पर भोगे जा सकते हैं और मिलना सहज नहीं, मिल करके सदैव अनमिल है। जो पति पत्नी आपस में एकदम मिलते हैं उन दोनों को लगता है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं और अनमिल रह जाता है, और एक दिन ऐसा अनमिल हो जाता है कि तलाक भी हो जाता है। सबका तलाक तो नहीं होता है लेकिन उदासीनता हो जाती है, निराशा हो जाती है, फिर घृणा भी हो जाती है। व्यंजन अच्छा खाने बैठे, मिलने की इच्छा व्यंजनों से, थोड़ा खाए उदास हो गए, फिर नहीं खाते बनता, कोई ज़बरदस्ती खिलाए तो आपको गुस्सा हो जाए। दुनिया के सारे भोग मिलने पर भोगे जा सकते हैं और मिलते नहीं, आज तक किसी को मिला नहीं, मिलने का आभास हुआ, मिला नहीं, आभास केवल हुआ, प्रतीत हुआ कि मिल रहा है और अनमिल ही रह गया। इसमें कितने बूढ़े बैठे हैं, जीवन भर कमाए हैं, पैसा खूब मिला है, क्या मिला है, कितना रखे हैं, आया और गया, और जो रखे हैं वो भी जाएगा, कोई जमा भी रखे हो तो जाए, जाना तो पक्का है। मिलने का भ्रम होता है और तथ्य है भागना, सारी वस्तुएं भाग रही हैं और मिलने का भ्रम हम पाल रहे हैं। भ्रम निवारण हो गया, सहज रूप में थोड़ा सा ज्ञान हो जाता तो कहते भ्रम अब मिट गया। भ्रम पर भ्रम है, शरीर मेरा है एक भ्रम है, शरीर सुख स्वरूप है एक भ्रम है,
संकल्प विकल्प जितने होते हैं वो मेरा स्वरूप है, भ्रम है। सुखाभास जितना है भ्रम है। एक सज्जन ने कहा कि मेरे पास बैठ करके काम करने वाला क्लर्क रोज करता था, जब मैंने नया चश्मा बनवाया पावर उसका बढ़ गया, तब जब उस ऑफिस में आकर के उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर काफ़ी भद्दे भद्दे दाग दिखाई दिए, और दाग पहले भी रहे होंगे लेकिन पावर कम था इसलिए नहीं दिखता था। जब पावर ज़्यादा हो गया तब देखने में आया। हम देख भी कितना पाते हैं, जितना देखते हैं उतना सच थोड़े हैं। स्त्री पुरुष को देखते हैं तो क्या देखते हैं, चाम बाल कपड़े, बाल टेढ़े मेढ़े किए गए हैं, कपड़े टेढ़े मेढ़े हैं, वही देखते हैं, और चाम देखते हैं, हाड़ मांस टट्टी पेशाब कंकाल कहाँ देखते हैं, और उसको देखें तो मोह हो गया, देखते कहाँ, देखना भी सच नहीं। देखना सच हो जाना ही तो सच्चा बोध है, पारदर्शी दृष्टि। कैमरा और एक्सरे में यही फर्क है, कैमरा ऊपर का चित्र लेता है, एक्सरे भीतर का हड्डी का। सामान्य व्यक्ति की दृष्टि कैमरे की तरह है, ऊपर ऊपर देखती है बस। विवेकवान की दृष्टि एक्सरे की तरह है, वास्तविकता को देखता है। सारे मकानात मिट्टी के धू हैं, लोग देखने जाते हैं वहाँ चल करके देखो इतना बना है इतना बना है, अरे क्या देखो मिट्टी की धू है सब। हाँ ऐतिहासिक स्थल है, कहीं गए घूम फिर लिए, कोई बुरा नहीं है, लेकिन सब मिट्टी की धू है और कुछ नहीं, और कुछ दिन में यही होके रह जाएगा। सारा संगठन विघटित होना है, सारा संयोग का वियोग होना है, सारे जन्मे हुए प्राणियों को मृत्यु के मुख में जाना है, सारे रंग में भंग होना है, सारा जमघट छिन्न भिन्न होना है। इस अंत की दशा को जो देखता है वो असली देखता है, उससे कर्म नहीं होते हैं, कर्म से ऊपर हो जाता है। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा, तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म बस डोले जौलो ज्ञान न पूर। तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उदय नहीं होता है। सूरज उदय हुआ तारे छिप गए। इसी प्रकार जीव तब तक कर्मों के अधीन बना भटकता है जब तक ज्ञान उदय नहीं होता। तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर, तौलो जीव कर्म बस डोले जौलो ज्ञान न पूर। पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए साहेब ने कहा पूरा साहेब से ये। पूरा साहेब कौन है? जो आत्म तृप्त है, जिसे आत्मबोध है, आत्मशोध है और आत्मतृप्ति है। अबोल अडोल अचल तृप्त काम पूर्ण काम निष्काम है वो पूरा साहेब है। ऐसे पूरे साहेब की सेवा करो और स्वयं पूरा बन जाओ, निष्काम हो जाओ पूरा हो गए, इच्छा जित हो जाओ पूरा हो गए। सारे कर्म इच्छा से उत्पन्न होते हैं, और इच्छा शांत हुई कर्म शांत हुए। तौलो जीव कर्म बस डोले जोलो ज्ञान न पूरे, छोटा सा वाक्य है, इसको ठीक से समझना चाहिए। जड़ चेतन का निर्णय और ज्ञान के जो खास विषय हैं सबको जान लेना, ये पूरा बोध परोक्ष है, आरंभिक है।
इसके बिना तो आगे काम ही नहीं होगा। लेकिन अप्रोक्ष बोध है चित्त का निर्मल हो जाना, स्वरूपस्थ हो जाना, आत्मस्थ हो जाना, आत्मलीन हो जाना। जब ये लगे कुछ करना बाकी नहीं रहा, कुछ होना बाकी नहीं रहा, कुछ मिलना बाकी नहीं रहा, कुछ पाना बाकी नहीं रहा, कुछ बाकी अब है ही नहीं, प्रारब्ध है, चल रहा है, जहाँ तक चले चले, रुक जाए रुक जाए, कुछ बाकी नहीं, तृप्त आत्मा सब समय पूरा का पूरा, ये पूरा बोध होना है। अभी कुछ बाकी है, कुछ पाना है, कुछ देखना सुनना भोगना है। एक भावुक सज्जन मनोविज्ञान के प्रोफेसर मुझसे कहे, महाराज अब सब काम कर लिया हूँ, स्वरूप स्थित का काम करता हूँ, उसमें थोड़ी कसर लगती है, इसलिए चाहता हूँ कि जीवन अभी कुछ दिन रहे और वो काम पूरा कर लो, और कुछ पाने के लिए जीवन की इच्छा नहीं, केवल स्वरूप स्थित के लिए इच्छा है, क्योंकि उसमें कसर लगती है, तो चाहता हूँ कि कुछ दिन जीवन और रहे वो काम कर लो। तो मैंने कहा कि जीने की इच्छा खत्म कर दो, बस काम तुरंत पूरा हो जाएगा। बड़ी गंभीरता से उन्होंने सोचा, कहा ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी, बस काम पूरा हो जाएगा। जीने की इच्छा इसलिए है, कुछ करने की इच्छा है, कुछ भोगने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, किसी से बदला लेने की इच्छा है, किसी को सताने की इच्छा है, नहीं है तो अपना कुछ गांठने की इच्छा है, टका दस बढ़े और ले खइबे, दस टका और बढ़ जाए और खा पी लूँ तब मरूँ। मरने की इच्छा, जीने की इच्छा कुछ नहीं, कोई जीने की इच्छा ना हो, जीने की इच्छा एकदम खत्म कर दो, बस स्वरूप स्थित पूरी हो जाएगी। उन्होंने महसूस किया कि आप ठीक कहते हैं। तो कुछ इच्छा नहीं, इच्छा पूरी, यही तृप्तात्मा का लक्षण है। कहते हैं कि कुछ आत्माएं जो भटकती हैं वो प्रेत आत्मा बन जाती हैं, वो भटकती हैं, प्रेत आत्मा बन करके दूसरे को सताती हैं। इसका अर्थ इतना है, प्रेत आत्मा का अर्थ है गया हुआ आत्मा, प्रेत का अर्थ है जो चला गया है। तो जो जीवात्मा शरीर छोड़ करके चला गया उसको प्रेत आत्मा कहते हैं, क्योंकि गया हुआ आत्मा है, और वासना उसके मन में है तो भटकना तो है ही है, भटकने मतलब फिर शरीर धरना, सुख दुख भोगना, फिर प्रपंच में पड़ना। प्रेत जोन भूत जोन कुछ नहीं, तो बिल्कुल झूठ है। प्रेत का इतना ही अर्थ है गया हुआ, जीव शरीर छोड़ करके चला गया, इसलिए कहते हैं प्रेत आत्मा, इसलिए प्रेत कर्म कहते हैं, हमन शरीर को दफना देना, जला देना, ये सब प्रेत कर्म कहा जाता है। अब वो अंधविश्वास है कि प्रेत आत्मा को तृप्त करने के लिए भोज करो, हवन करो, पिंडा पारो, वो सब पंडितों का अपना धंधा है, इसी आधार में थोड़ा पब्लिक से कुछ पूजा लेते हैं, अब वे भी थोड़ा कुछ कर्म कर लेते हैं, और जो शरीर छोड़ दिया आप उसके नाम से चाहे जितना करो उसको कुछ मिलने वाला नहीं, जो करेगा उसके लिए होगा, और जिसके नाम से किया जाएगा कुछ नहीं होगा। अच्छे अच्छे लोग किसी की मृत्यु पर शांत पाठ करते हैं और कामना करते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले, आपके प्रार्थना करने से उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वो जो कुछ किने साथे लीने नहीं कुछ जाते राख पड़ा, विशाल साहब ने कहा जीव जो कुछ करता है साथ लेके जाता है, वो कुछ छोड़ के नहीं जाता है।
जो कुछ किया है उसके कर्मों का संस्कार उसके साथ रहता है, चीज़ें छूट जाती हैं, संस्कार रह जाते हैं। जैसे कर्म के विषय में अभी कह रहा था, घटनाएं खत्म हो गई लेकिन चित्त जल रहा है। कोई आदमी व्यभिचार किया, जो उसमें सुख माना वो क्षण में खत्म हो गया, लेकिन उसके खराब संस्कार उसके चित्त को बहुत दिन तक जलाते रहते हैं। चोरी किया, उसका माल खाया पिया खत्म हो गया, लेकिन चोरत्व का संस्कार नहीं खत्म होता है। किसी ने क्रोध में पड़ करके गाली दी किसी को, गाली दी बात खत्म हो गई। उसने सह पाया तो सह लिया, नहीं सह पाया तो उसने भी विवाद किया, लेकिन गाली देने के बाद अपनी अंतरात्मा जलती है, चंचल होता है। जोश में हम कर्म करते हैं और उसका परिणाम दूरगामी होता है, इसीलिए समझदारी है कि अपने ऊपर जो आवे उसको सह लो और कोई प्रतिक्रिया न करो। लेकिन यह काम बहुत बलवान जो होगा वो कर पाएगा, कमजोर आदमी नहीं कर पाएगा। बलवान वही समझते हैं अपने को जो लड़ जाए, वो अहंकार है। असली बलवान है जो सह ले, सारा उपद्रव सह ले, शांत रहे, महाबलवान है। अध्यात्म का यही रास्ता है, व्यवहार का रास्ता कुछ और है। उसमें भी सहना ठीक है, सहने से व्यवहार बहुत उज्जवल होगा। हाँ, एक दंड विधान है समाज में, उसका उपयोग है। गलत जिसने किया समाज दंड दिया, उसका एक अपना पक्ष है। लेकिन साधना का पक्ष सह लेना, और गृहस्थी व्यवहार में भी जमीन को लेके, आप जमीन को लेके मुकदमा लड़ रहे हो, थोड़ी सी जमीन, पूरी जमीन आपकी है, पूरी जमीन उनकी है, कहीं थोड़ा सा मानते हो, चार अंगुल, एक बीता, एक हाथ, ऐसे बातचीत कर लो, संतोष कर लो, एक हाथ उनीम रहे, चलो क्या हर्ज होता है। मुकदमा लड़ रहे हैं, कलह कर रहे हैं, नरक कर रहे हैं, पैसा फूंक रहे हैं, और काले कोट वाले तो बैठे हैं कोर्ट में, वो तो यही पढ़ाएंगे उल्टा पलटा, बैठे हैं कोर्ट में वो तो यही पढ़ाएंगे उल्टा पलटा। अब महात्मा गांधी और लिंकन जैसा वकील थोड़े होता है। महात्मा गांधी जिसको झूठ समझते थे उसको डांट के खदेड़ते थे मोक्किल को। लिंकन ने तो एक पत्र भेजा अपने मोक्किल को, जब जान लिया झूठ बोला है तो कहा, देखो तुम अपना मुकदमा उठा लो, नहीं तुम्हारा पैसा भी बेकार जाएगा और हार जाओगे, मैं पैर भी नहीं करूँगा। एक तो मुकदमा लिए लिंकन, चल रहा था मुकदमा, बीच में उनको समझ में आया कि झूठ मुझसे बोला है और गलत मुकदमा है, इसको जिताना तो अपराध करना है, तो उन्होंने मन बना लिया अब इसको पैर भी नहीं करना है। जज के सामने वकील को खड़ा होना था, पुकार हुआ, मोकिल आया, साहब पुकार हो गया आपका नाम, कहा देखो जज जाकर के कह दो मुझे फुर्सत नहीं है, मेरे हाथ गंदे हो गए, मैं उसको धोने जा रहा हूँ। ये भी उन्होंने पहले की बात कही, और मैं पैर भी नहीं करूँगा। वो बेचारा बहुत दुखी हुआ, खारिज हो गया मुकदमा। अब जज नहीं जाएगा तो क्या होगा, खारिज हो गया, वो झक मार करके चला गया। महात्मा गांधी कई बार ऐसा करते थे। महात्मा गांधी और लिंकन ये दोनों वकील थे और दोनों ईमानदारी का काम किए हैं, इसलिए दोनों पैसे वाले वकालत से नहीं हुए हैं, गुजर बसर होता रहा, पैसे वाले नहीं हुए। ऐसे वकील हैं कि ऐसा मोक्किल खोजते हैं, ऐसा बदमाश मोक्किल है, एक कौन की संपत्ति है। वकील से जाके कहता है आधा आपका आधा मेरा, विजय हो जाए तो, और सब पूरी जालसाजी, वकील सब जालसाजी देख करके तैयारी करता है, और अगर जीत गया तो 50 लाख उसे मिलेगा,
नहीं जीता, नहीं जीता तो दांव है। ऐसे ऐसे वकील हैं, ऐसे वकील नारकी हैं। किसी को न्याय दिलाना ये वकील का काम है। और ऐसे वकील होते हैं, गांधी जी के विषय में लिखा जाता है कि उन्होंने मुकदमा में झूठ कभी नहीं कहा। ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ नहीं खोजते हैं ऐसा बदमाश मुवक्किल है। एक कौन की संपत्ति है, वकील से जाके कहता है आधा आपका आधा मेरा, विजय हो जाए तो। और सब पूरी जालसाजी, वकील सब जालसाजी देख करके तैयारी करता है। और अगर जीत गया तो 50 लाख उसे मिलेगा, नहीं जीता, नहीं जीता तो दांव है। ऐसे ऐसे वकील हैं, ऐसे वकील नारकी हैं। किसी को न्याय दिलाना ये वकील का काम है। और ऐसे वकील होते हैं, गांधी जी के विषय में लिखा जाता है कि उन्होंने मुकदमा में झूठ कभी नहीं कहा। ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ नहीं रिकॉर्ड मिलता है अच्छाई का। कोई अच्छा बनना तो चाहे, सब जगह जज समझता है मुवक्किल भी झूठ बोल रहा है। कोई मुवक्किल ऐसा उदार हो जो अपराध पूरा का पूरा स्वीकार ले तुरंत, जज दंग रह जाएगा। और जज या तो माफी कर देगा या तो हल्का सा जुर्माना करेगा। ऐसा कोई मुवक्किल मिले तो, ऐसा कोई अपराधी मिले तो कि जो स्वीकार ले, ऐसे लोग मिलते नहीं। तो व्यवहार में भी सह लेना, समता रखना सब जगह सुखद है। और साधना के लिए तो यही सुखद है। तो मैंने आपसे कहा था ये हमारा जो व्यक्तित्व है, औपाधिक व्यक्तित्व, निर्मित व्यक्तित्व, हमारा असली व्यक्तित्व आत्मा है, वो निर्मल है। लेकिन शरीर और मन औपाधिक व्यक्तित्व है, निर्मित व्यक्तित्व है, नकली व्यक्तित्व है। और ये कर्मों से निर्मित है। कर्म है राग द्वेष, और इसी से वाणी और इंद्रियों में हलचल होती है। और जितनी अव्यवस्थित क्रियाएं होती है वो सब कर्म कहलाते हैं। और जब मन निर्मल रहता है, राग द्वेष विहीन रहता है, तो हलचल नहीं होती। और मन और इंद्रियां और वाणी सब व्यवस्थित होते हैं। ये कर्मों से ऊपर उठ जाना है। सह लो, प्रतिक्रिया न करो, ये कर्मों से उठने का रास्ता है।